हेलो, कैसे हो? और आज जो मैं बातें करूंगी ना, जो टॉपिक करूंगी, आप जो भी समझ सकते हो, तो वो शायद हो सके तो हर महिलाओं के साथ होता होगा। हो सकता है बहुत महिलाएं अपने तक ही सीमित रखती होंगी, नहीं शेयर करती होंगी, पर मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि हो सकता है हर महिलाओं के साथ अगर होता होगा तो आप लोग जरूर बताना, है ना? क्योंकि मैंने सुना भी है, देखा भी है, अपने आसपास भी देखा है ना? तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना? तो जैसे कि देखिए, हम महिलाओं को क्या होता है, हो सकता है कि बहुत महिलाएं ऑफिस जाती होंगी, जॉब पर जाती होंगी, है ना? पर एक बात कहूँ, वो महिलाएं जो ऑफिस जाती होंगी, जॉब पर जाती होंगी, जो खासकर मिडिल क्लास की होंगी, है ना, मिडिल क्लास की होंगी, तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें हर काम सुबह से लेकर शाम तक जब तक वो आती होंगी ना, घर का वो सारा काम कर कर ही जाती होंगी। क्योंकि सभी महिलाएं जो होती है ना, वो जरूरी नहीं होता है कि मैड ही रख पाती हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती होंगी जो शायद नहीं रख पाती होंगी, है ना? ऐसा भी होता है, क्योंकि मिडिल क्लास की महिलाएं हो या मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जैसे कि हम जैसे लोग कह सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं मैड, है ना? क्यों? क्योंकि हम उन्हें फिजूल खर्च समझते हैं, ठीक है? एक तो उससे हम घर का काम करेंगे तो हमारा हेल्थ सही रहता है, कहीं ना देखा जाए तो जो महिलाएं घर का प्रॉपर काम करती है पूरा, तो वो अपने आप बिल्कुल आपको दिखेगा कि वो बिल्कुल फिट पाट रहती हैं। उन्हें जैसे कि आजकल की महिलाएं हैं ना, जो मतलब आजकल का जो समाज है, जो घर का तो एक काम भी नहीं करना पसंद करेंगे, पर वो जिम वगैरह जाएंगी, यहाँ जाएंगी, वहाँ जाएंगी। अगर वो शुरू से ही अगर घर का काम करती रहती ना, तो उन्हें कोई भी जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हम घर का ही प्रॉपर काम करें ना, तो हमारा हेल्थ सही रहेगा, और घर में काफ़ी हद तक हमारा योगा हुआ या हम बहुत काम कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सही रहता है ना? तो हम महिलाएं होती है जो ये फिजूल खर्च मानते हैं, क्योंकि फिर सोचते हैं कि जो पैसे थोड़े बचेंगे वो हमारे किसी बच्चे या किसी ऐसे समय हो जो काम आ जाएंगे, है ना? तो ऐसे करते होंगे, तो जिसके कारण महिलाएं को क्या होता है, वो सुबह जल्दी उठती है। क्यों? ताकि वो अपना सारा काम टाइम से वो कर पाए, और तो फिर वो जॉब पर जा पाए, है ना? और फिर जॉब के आने के बाद भी फिर भी उन्हें घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है ना? और जिसके कारण उनसे कुछ ना कुछ छूट जाता है ना? तो छूट जाता है तो जिसके कारण घर के जो और सदस्य होते हैं वो ताना मारते होंगे, कहते होंगे कि तुमसे घर का भी काम नहीं होता है ना? तो एक बात कहूँ उन लोगों से कि अगर आपको अगर लगता है ना, तो आप उनकी जगह पे रह कर देखना, आप सुबह 5 बजे उठना और सारे काम को जैसे ही महिलाएं करती है ना, वो कर कर देखना कितनी समस्याएं आती है। उसके बावजूद भी महिलाएं हमेशा मुस्कुराते रहती हैं। मैंने ऐसी महिलाओं को बहुत देखा है कि जो सुबह उठकर अपना सारा काम कर कर उसके बाद वो जॉब पर जाती है, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते आती है, फिर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, और पता है कहीं ना कहीं उनके लिए खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता, फिर भी वो किसी से शिकायत नहीं करती है, मुस्कुराते रहती। क्यों? क्योंकि वो सोचती है ये हमारा घर है, मेरा काम है, वो अच्छे से कर लेती है ना? पर बाकी और लोग बहुत सारे शिकवा शिकायत ताना मारना ये सब करते हैं ना, जो कि गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि घर की जिम्मेवारियां एक महिलाएं की ही नहीं होती है, बल्कि पुरुषों की भी होती है। अगर वो दोनों बराबर मिलकर करेंगे ना, तो ना पुरुष को ज्यादा दिक्कत होगी, ना महिलाओं को दिक्कत होगी, है ना? क्योंकि घर का जो सारा काम होता है, अगर हम दोनों मतलब पति पत्नी अगर बांट कर करेंगे तो कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी, है ना? क्योंकि पत्नी के ही बच्चे नहीं है, पति के भी बच्चे हैं, है ना? तो जितना समय वो अगर दोनों मिलकर करेंगे तो क्या घर का सारा काम नहीं मैनेज हो जाएगा? हो जाएगा। और जिसके क्या होगा कि एक पत्नी भी अपने ऊपर समय दे पाएगी, है ना? पर आजकल का जो समाज है ना, वो पुरुषों के अंदर ईगो आ जाता है, तो उस ईगो के कारण महिलाएं अपना चाह कर भी सारे काम वो खुद करती है, और फिर तब वो जॉब पर जाती है ताकि कोई उन्हें ताना ना मारे। भले वो एक समय का खाना नहीं खाएंगी, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी, पर वो सारा काम कर कर ही वो जाएंगी, है ना? तो आप बताना ये गलत बात नहीं है, है ना? क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तभी तो लंबे समय तक चलता है जब आप उसको समय देंगे, जब आप उसके साथ समय बिताएंगे, जब आप उसके हर काम में उसका साथ देंगे। ये थोड़ी है कि सब 10 आदमी के बीच में आप उसको मान इज्जत प्रतिष्ठा देंगे और बाद में नहीं देंगे पीठ पीछे, तो ये गलत है ना? मान सम्मान पीठ पीछे नहीं, आप उसको कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि आप 10 आदमी के सामने बोलेंगे, बातें करेंगे, उसको वो करेंगे, आप बाद में भी दिया करो,
उसे भी अच्छा लगेगा एक पत्नी को, एक पत्नी को क्या चाहिए होता है, पति का साथ ना, वो हर समय चाहती है एक पत्नी का साथ, है ना। तो यही कहना था, आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और हम आशा करते जो हम लोग देखते हैं वो आगे ऐसा समाज ना बने, आगे की जो पीढ़ियाँ है जितना काम पति करता है ना उससे कई गुना ज्यादा एक पत्नी करती है, सुबह से लेकर शाम तक करती है, है ना। तो इसलिए काम किस काम, कोई सा भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है ना। तो इसलिए दोनों को मिलकर अपने घर की गृहस्थी को चलाना चाहिए। अगर जॉब पर आप जाते हैं तो जॉब पर महिलाएं भी जाती है, तो इसलिए दोनों साथ मिलकर काम किया करिए। तो यही कहना था, और आशा करती हूँ कि मेरी बातें अगर समझ में आई होंगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ किसी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं।